जैसे ही आप आशा करती हूँ सब आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाली हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके इंटरव्यू की दृष्टि से या आपके प्रैक्टिकल की दृष्टि से। जब आप आर्मी में जाएंगे, आप भर्ती होंगे या आप कोई भी आदि संबंधी एग्जाम देंगे, तो उससे आपको चाहे एनसीसी का हो चाहे आर्मी का हो, तो आपको आमरुख आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे आमरुख, आमरुख क्या होता है। आमरुख ऐसा जमीनी निशान है, आमरुख क्या है, ऐसा जमीनी निशान जो दी गई जिम्मेदारी वाले इलाके को दो भागों में बांटता है और कमांडर इससे अपने जमीनी निशान के बारे में अपने जवानों को आगाह कराता है या बताता है। ये होता है आमरुख। आमरुख मतलब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है किसी एक पेड़ को या कोई बड़ा सा, मतलब ऐसा आमरुख लेना चाहिए जो साफ सुथरा और बड़ा हो, जो स्थाई हो। कहा जाता है फौज में कि आमरुख कैसा लेना चाहिए, आमरुख ऐसा होना चाहिए जो दूर हो, ऐसा आमरुख हो जो दूर हो और मशहूर हो। मशहूर मतलब कोई चीज़ को हम बताएं कि वहाँ पे एक झोपड़ी है, मतलब वो झोपड़ी दिखनी चाहिए, थोड़ा दूर होनी चाहिए और वो मशहूर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। कोई पिलर हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई झोपड़ी या कोई भी जमीनी निशान ले सकते हैं आमरुख के लिए। आमरुख के आमरुख जो होता है वो अपने जो कमांडर है वो दिए गए जो उसको इलाका होता है जिम्मेदारी वाला, उसको दो भागों में आमरुख बांटता है। ये इसकी विशेषता है। तो आमरुख एक इमेजिनरी लाइन है जिसको अपन अपनी जनरल भाषा कह सकते हैं, सीधी लाइन का हम एडमिशन करते हैं और उससे हम अपने जो हमें जवानों को अपने जो कमांडर को जवानों को बताना होता है वो उससे पहचान कराता है अपने इलाके के बारे में और दुश्मन को स्थिति पोजिशन के या दुश्मन के बारे में। जो आमरुख होता है वो जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो जो जो हमारा आमरुख होता है उसके बारे में कहा गया है कि आमरुख कैसा होना चाहिए जो दूर हो, मशहूर हो और हिलने पर मजबूर हो। मतलब ऐसा आमरुख हमें लेना चाहिए, जैसे किसी बच्ची को यदि ले लेते हैं आमरुख तो बच्ची तो कुछ देर में उड़ जाएगा, है ना, या कोई ऐसी हिलने डुलने वाली चीज हमें नहीं लेनी चाहिए आमरुख के लिए। तो आमरुख कैसा होना चाहिए, दूर होना चाहिए, मशहूर होना चाहिए और जो हिलना डुलना नहीं चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ से आमरुख एक झोपड़ी ले ली, ठीक है, ये हमने आमरुख ले लिया। अब हमें यहाँ पे इस आमरुख को लेकर के दुश्मन की पोजीशन बतानी है, तो हम इसके लिए आप एक इमेजिनरी क्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एक इमेजिनरी क्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं जो आमरुख पे कितना बजता है, 12 बजता है, ओके। ये आमरुख पे कितना बजेगा, 12। और मान लीजिए दुश्मन यहाँ पे, दुश्मन यहाँ पे है, तो ये कितना, इसको दुश्मन की पहचान कैसे कराएंगे, दिए गए बोलेंगे, दिए गए आमरुख जो आमरुख है, आमरुख के एक बजे पर दुश्मन दिए गए जो अपन आमरुख दिया है ना, तो आमरुख के दाएं एक बजे दुश्मन खड़ा, उस पर फायर करना है, उसकी वो डिस्टेंस बता देंगे कितनी दूरी पर है। दिए गए जैसे अपन ऐसे बोल सकते हैं, कमांडर ऐसा बोलता है कि आमरुख के 800 मीटर पर एक बजे, दाएं एक बजे पर दुश्मन खड़ा है, मतलब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर और एक बजे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे चलो ठीक है, एक यहाँ, दो और यहाँ, तीन यहाँ, चार और यहाँ, पाँच और छः, ठीक है। और बाएं कैसे होगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, 7, ओके। तो यदि मान लीजिए दुश्मन यहाँ पर है
तो कैसे बताएगा पोजीशन कमांडर कि आम रुख की बाएं 800 मीटर 9 बजे उसमें है, उस पर फायर। ओके, इस तरह हम आमरुख की आमरुख जो होता है हमारे जमीन जो जिम्मेदारी वाले इलाका होता है उसको दो भागों में बांटता है, दाएं और बाएं, और फिर उसके 1 बजे 2 बजे के इस तरह से हम उसको बता सकते हैं कि वो वहाँ पर दुश्मन हमारा छिपा है। इस तरह दोस्तों मैं आपको अपने वीडियोस में आपको आम फल से संबंधित बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी पढ़ाती हूँ, यदि आपको लाभान्वित होते हैं आप तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट